अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कि हमने जे फाइंड करना है फॉर द ब्रेन कंटिन्यूस फ्लो ऑफ क्लोरीमीटर। अब क्लोरीमीटर जो है ये हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है जहाँ पे हम लोग जे फाइंड करते हैं। अगर हम देखें हमारे पास जो डिफरेंट चीजें हैं, ये आपके पास डिफरेंट आप कुछ टर्म्स हैं जो आप नेट पे लिखेंगे तो आपको इजिली पता चल जाएगी कि ये चीजें क्या है मोर समझने के लिए, ठीक है। अब हम अगर देखें प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन तो हमारे पास जो कैलेंडर एंड बैरेंस कंटिन्यूस फ्लो ऑफ क्लोरीमीटर है, यही इक्विपमेंट हमारे पास बैरेंस अपरेटस भी कहलाता है और कंटिन्यूस फ्लो ऑफ क्लोरीमीटर भी कहलाता है, ठीक है। इसी इक्विपमेंट को हम लोग कैलेंडर एंड बैरेंस अपरेटस कहते हैं और आल्सो नोन एज द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ क्लोरीमीटर। और ये हमारे पास इंस्ट्रूमेंट जो है ये डिजाइन किया जाता है टू फाइंड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या फिर जे को हम लोग फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। अगर हम इसके ऑपरेटर्स की बात करें तो इसका ऑपरेटर्स जो है वो हमारे पास कंसिस्ट करता है एक जो है हॉरिजॉन्टल कोरोनरी ग्लास ट्यूब पे जिसके बोथ हैंड जो है वो हमारे पास ओपन होते हैं हीटिंग एलिमेंट पे। हमारे पास के हीटिंग एलिमेंट इसका क्या है किसी भी कॉइल का अबाउट द 40 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। कि हमारे पास जो उसका हीटिंग एलिमेंट है वो हमारे पास एक वायर है जिसे हम कहते हैं निकल क्रोम वायर जो है वो यूज होती है जो कि ऑलमोस्ट 40 सेंटीमीटर लॉन्ग होगी। और ये वायर जो है इसको आपस जैसे आप कहते हैं ना कि एक स्प्रिंग बनाया हुआ होता है, स्प्रिंग बना के इसको एक स्पाइरल सा बनाया हुआ होता है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास स्पाइरल ट्यूब होती है किसी भी एक्सेस ऑफ ग्लास ट्यूब के दरमियान होती है और उसके बाद हम क्या करते हैं कंप्लीट करते हैं अपरेटस को एक वुडन बॉक्स के अंदर। ये सारा जो हमारे पास सेटअप होता है एक वुडन बॉक्स के अंदर सेट किया हुआ होता है। इसके अलावा हमारे पास एक जो है 100 मिलीमीटर लॉन्ग जो है वो ग्लास ट्यूब होगी वाटर को रखने के लिए ताकि हम इलेक्ट्रिक वायर को उसमें अटैच कर सकें। इसके अलावा हमारे पास स्क्रू होंगे किसी भी टर्मिनल्स को आपस में वाउंड करने के लिए। हमारे पास रबर बग्स होंगे किसी भी हॉरिजॉन्टल जो ट्यूब है उसको कनेक्ट करने के लिए सिस्टम के अंदर। अगर हम ये देखें हमारे पास जो इसकी वर्टिकल एक्सपेंशन है वर्टिकल एक्सपेंशन टू अकोमोडेट द थर्मोमीटर के हमारे पास थर्मोमीटर को अकोमोडेट करती है और हम हीट करते हैं बाय द स्पाइरल बाय द पासिंग इलेक्ट्रिक करंट की जो हमारे पास वो जो स्पाइरल जो वायर हमने यूज की थी उसको हीट अप करते हैं क्योंकि हमने हीट कैपेसिटी फाइंड करनी है जे हमने फाइंड करना है तो जे फाइंड करने के लिए हीट गुजरेगी। तो अब हीट किस तरह से गुजर सकती है वायर से उसको चूल्हे पर डायरेक्ट नहीं रखेंगे उसके अंदर से जब करंट पास करते हैं तो भी वो हीटेड हो जाता है, ठीक है। तो उसमें से करंट पास करेंगे तो वो हीट हो जाएगा। विद द हेल्प ऑफ एडजस्टेंट कॉन्स्टेंट बॉयल टैंक द रेट फ्लो इज केप्ट कॉन्स्टेंट। हमारे पास हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो वाटर का फ्लो ऑफ रेट है वो हम कोशिश करते हैं कि कॉन्स्टेंट रहे ताकि हमारे उसके साथ बॉयल टैंक जो है वो एडजस्टेंट किया जाता है। उसके बाद जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होता है इस टेम्परेचर को मेजर किया जाता है दो थर्मोमीटर से जो हमारे पास सप्लाई किए जाते हैं टेम्परेचर के लिए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं ये जो हमारे पास ऑपरेटर्स होता है ग्लास ट्यूब के अंदर इनसाइड द स्पायर वायल इसको क्या करते हैं इसको मेजर करना शुरू कर इसकी कैपेसिटी मेजर करना शुरू करते हैं किस तरह से स्टीम वाटर इज मेड अप फ्लो थ्रू द ग्लास ट्यूब एंड हीटेड बाय द स्पायरल बाय पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट के जो हमारे पास पानी की जो स्टीम है उसको क्या करते हैं किसी भी ग्लास ट्यूब के अंदर से जब वो पास हो रही होती है तो उसको क्या करते हैं हीट करते हैं और हीट किसे करते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू करते हैं और फिट करते हैं इस सबको पॉलिश वुडन बॉक्स के ऊपर जो हमारे पास कंप्लीट कांस्टेंट लेवल जो है टैंक का जो हमारे पास थर्मामीटर होता है उससे हम लोग मेजर कर लेते हैं, ठीक है। ये आपके पास इसकी थी थ्योरी। तो अगर अब इसकी डिटेल में हम जाएं तो वो मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखा देती हूँ आप उसको नोट कर लें। अगर हम यहाँ देखें हमारे पास डिटरमिनेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ लिक्विड है किसी भी वाटर के या इलेक्ट्रिकल मेथड के यूज करने के लिए, ठीक है। इसको अगर हम फर्दर लेते जाएं तो ये आपके पास एक वुडन बॉक्स है जो मैंने आपको बताया था जिसपे हम ऑन और कन्वर्ट का बटन लगा हुआ होगा। ये जो वुडन बॉक्स है इसकी फ्रंट साइड ये आपको दिखाई है जिसके अंदर बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग चीजें पुट करेंगे और जब इसको ऑन करेंगे तो ये जो सेंटर पॉइंट है ये हमारे पास हीट अप होता है, ठीक है।
अब अगर हम देखें मास ऑफ कैलोरीमीटर जो है हमारे पास किस तरह से होगा, मास ऑफ कैलोरीमीटर जो है वो स्टिरर जब हम MC इज इक्वल टू 52.7 ग्राम होगा कि उसका अपना जो मास है, उसके अलावा हम लोग देखेंगे मास ऑफ कैलोरीमीटर स्टिरर प्लस वाटर जब हम देखेंगे तो हमारे पास मास हो जाएगा 120 ग्राम। इसी तरह अगर हम मास ऑफ वाटर देखें तो हमारे पास m माइनस MC हो जाएगा जो कि हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा 120 माइनस 52.7 जो हमारे पास 67.3 g आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे आप देखें आपके पास यहाँ पे एम्पेयर करंट फाइंड हो रहा है, वोल्टेज फाइंड हो रही है, ये आपके पास कैलोरीमीटर में एक टेम्परेचर थर्मामीटर लगा हुआ है, ये देखें कि यहाँ पे ये जो नीचे आपके पास है ये एक नीचे स्प्रिंग लगा हुआ है जिसमें आप वाटर से इलेक्ट्रिक करंट पास करा रहे हैं तो ये आपको रिजल्ट नजर आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आपको इसका टेम्परेचर जो है वो रिजल्ट के तौर पे फाइंड हो जाएगा। जैसे जैसे आप करंट एम्पेयर बढ़ाते जाएंगे वोल्टेज चेंज होती जाएगी, वोल्टेज जैसे जैसे चेंज होगी वैसे वैसे हमारे पास उसका टेम्परेचर भी चेंज होगा, तो हमारे पास जे की वैल्यू चेंज होती जाएगी। अगर देखें तो हमारे पास जो लीस्ट काउंट ऑफ वोल्ट जो वोल्ट मीटर है वो है 0.5 वोल्ट और लीस्ट काउंट ऑफ एम मीटर है 0.1 एम्पेयर। इन वैल्यूज को अगर हम देखें तो हमारे पास जो लीस्ट काउंट ऑफ थर्मामीटर है 0.5 डिग्री सेंटी है और लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच जो है वो 0.01 सेकेंड है, क्योंकि हमने स्टॉप वॉच से टाइम मेजर करना है। तो यहाँ पे हम ये सारी चीजें, अगर हम मास ऑफ कैलोरीमीटर देखें जो हमने अभी पीछे फाइंड किया तो वो 52.7 ग्राम था, मास ऑफ स्टीरर विद वाटर देखें तो 120 ग्राम था, और अगर हम मास ऑफ वाटर देखें तो वो हमारे पास 67.3 ग्राम आ गया था। इनिशियली टेम्परेचर ऑफ वाटर जो था वो हमारे पास 21 डिग्री सेंटीग्रेड था जो हमारे पास रूम टेम्परेचर पे था, जब उसको हीटअप किया तो वो हमारे पास चेंज हो गया। फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर हम लोग फाइंड करेंगे स्पेसिफिक हीट अगर हम देखें क्लोरीमीटर की, सीसी से रिप्रेजेंट होती है 0.1 कैलोरीज पर ग्राम डिग्री सेंटी आ जाएगा ये हमारे पास, ठीक है। तो अगर हम टाइम टी देखें तो हमारे पास 16 मिनट में जो चेंज आएगा अगर इसको हम कन्वर्ट करें सेकंड में तो 16 मल्टीप्लाई बाई 60 हो जाएगा जो हमारे पास 960 सेकंड आ जाएगा, क्योंकि ये हमने फाइंड करना है कि उसका जो जब वो बॉयल हो रहा होगा वहां पे टेम्परेचर पे हमारे पास जो उसकी जे की वैल्यू आएगी वो किस तरह से फाइंड होगी। तो अगर यहाँ पे अब हम देखें तो हमारे पास जो एम्पेयर है आप देखें कि यहाँ पे आपको सुइयां मूव करती हुई दिखाई दे रही हैं, ये जो वोल्ट मीटर है ये आपके पास मूव करेगा, जैसे जैसे वोल्ट मीटर मूव करेगा यहाँ पे ये आपके पास क्या आ जाएगा 0.567 पॉइंट पे ऑलमोस्ट आ जाएंगी ये वैल्यूज, ठीक है। इन वैल्यूज को देखते हुए हमने टेबल बनाना है जहाँ पे हमने टाइम फाइंड करना है, ठीक है, वोल्ट्स फाइंड करने हैं, वोल्टेज करंट फाइंड करना है, ठीक है, टाइम हमने फाइंड करना है मिनट्स में, उसके अलावा ये हमारे पास जस्ट वही टेबल जो है उसकी डिफरेंट वैल्यूज हैं। एक ही टेबल को दो बार आपको दिखाया हुआ है कि हमारे पास टाइम वोल्टेज और करंट के दरमियान हमने वैल्यूज फाइंड करनी है। तो टोटल यहाँ पे आपके पास 16 रीडिंग्स लेनी है। यहाँ देखें कि आपके पास ये सारी रीडिंग्स इन वैल्यूज के अलोंग आ गई हैं और आपने इनको नोट करना है, ठीक है। तो जब हम 16 मिनट क्रॉस कर लेंगे तो हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी लिक्विड वाटर के लिए, सी इज इक्वल टू 1/mW इंटू VIT इंटू J∆T माइनस MC इंटू CC। तो अगर हम यहाँ से देखें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ से क्योंकि हमने J फाइंड करना है तो हम लोग इसकी वैल्यूज डिफरेंट पुट करके जो हमने पीछे फाइंड की थी CW जो है वो फाइंड कर सकते हैं, जो कि हमारे पास है कैलोरीज पर ग्राम डिग्री सेंटी में, ठीक है। तो इसी को अगर हम देखें तो हमारे पास मैकेनिकल इक्वेशन जो है जो जे के लिए है तो हम वो भी फाइंड कर सकते हैं सेम उसी तरह से। हमारे पास अपरेटस यहाँ पे क्लोरीमीटर विद स्टीरर आ जाएगा, DC पावर सप्लाई आ जाएगा, एम मीटर, वोल्ट मीटर, रियोस्टेट आ जाएगा, वन वे की आ जाएगी, ठीक है। इन सारी चीजों को क्या करना है, हमने अटैच करना है, ये हमारे पास डिफरेंट जो वन वे की के अलावा हमारे पास हाफ डिग्री सेंटीग्रेड थर्मोमीटर आ जाएगा जिसमें हमारे पास हर पॉइंट पे हाफ डिग्री होगा, फिजिकल बैलेंस होगा और डिजिटल बैलेंस होगा, कनेक्टिंग वायर होंगी, सैंड पेपर होगा, ठीक है। अब इन सारी चीजों को क्या करना है, हमने इस तरह से एक स्ट्रक्चर डायग्राम बनानी, ये हमारे पास सर्किट डायग्राम बन जाएगी। तो सर्किट डायग्राम को मेजर करने के लिए हम लोग इन वैल्यूज को पुट करेंगे और यहाँ पे देखेंगे
ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास लेड है, स्टिरर उसमें मौजूद है, बॉक्स के अंदर हम लोगों ने उसी तरह हीटिंग कॉइल हर चीज वही लगाया है, सिर्फ इस बॉक्स को जो है आप कनेक्ट कर दिया है एक एक्सटर्नल सर्किट के साथ, जहाँ पे हमारे पास वोल्ट मीटर और एम्पेयर मीटर मौजूद है, बैटरी मौजूद है, और रियोस्टेट क्या कर रहा है बार बार रेजिस्टेंस को चेंज कर रहा है, वेरिएबल हमारे पास रेजिस्टेंस आ रही है बार बार, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज जो है वो चेंज हो रही है। तो ये सेम उसी तरह जैसे अभी आपको एक्सपेरिमेंट दिखाया था, मास आप फाइंड करेंगे हर चीज आपके पास उसी तरह से आ जाएगी जो अभी आपने लास्ट एक्सपेरिमेंट में किया है। उस एक्सपेरिमेंट में जस्ट आप ये देख रहे थे कि आपके पास वैल्यूज क्या हैं, अब आप उन वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे फॉर द वैल्यू ऑफ जे। पहले आपने सी डब्ल्यू फाइंड किया था, नाउ आप जे फाइंड करेंगे, तो आप देखें कि आपके पास लीस्ट काउंट सेम उसी तरह सेम वैल्यूज आएंगी, कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि हमारे पास ऑपरेटर सेम है। ठीक है, तो अगर हम देखें हमारे पास स्टॉप लीस्ट काउंट एम मीटर है, वोल्ट मीटर है, थर्मामीटर है, स्टॉप वॉच है, ठीक है, उसी तरह से हमारे पास डिफरेंट अगर हम वैल्यूज को देखते रहें तो हमारे पास मास ऑफ कैलोरीमीटर सेम वही 52.7 ग्राम, ठीक है, मास ऑफ कैलोरीमीटर प्लस स्टीरर प्लस वाटर जो है 120 ग्राम आ गया, मास ऑफ वाटर आ गया एम डब्ल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ गया 67.3, इनिशियल टेम्परेचर वाटर 21 डिग्री सेंटी आ गया, ठीक है, फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर हमने फाइंड करना है, जबकि स्पेसिफिक हीट कैलोरीज जो सीसी है वो हमारे पास 0.1 कैलोरीज हमारे पास मौजूद है, कैलोरीज पर ग्राम पर डिग्री हमारे पास मौजूद है। तो हम यहाँ पर अगर टी देखें तो टी हमारे पास 16 मिनट था, लास्ट में भी हम लोगों ने यही किया था, 960 सेकेंड्स आ गया था। तो अगर इसी चीज को हम लोग फाइंड करते हुए वैल्यूज फाइंड करें सेम उसी तरह से जैसे हमने पहले वैल्यू फाइंड की थी, तो हमारे पास उसी तरह से टेबल आएगा जिसमें हम टाइम वोल्टेज और करंट जो है उसको मेजर करके लिख लेंगे, और सेम उसी तरह से यहाँ पे भी हमारे पास 16 रीडिंग्स आ जाएंगी। ठीक है, तो अब आप जब ये 16 रीडिंग्स पुट करेंगे बिल्कुल उसी तरह से, तो 16 मिनट के बाद आप मेजर करेंगे कि हमारे पास जे की वैल्यू क्या आ जाएगी। तो जे का जो फार्मूला है, जे इज इक्वल टू वी आई टी इंटू एम सी सी प्लस एम डब्ल्यू सी डब्ल्यू डेल्टी। अब सी डब्ल्यू आपने लास्ट उसमें वैल्यूज में फाइंड कर लिया था, तो उन सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास जे की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो जे की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4.63 जब आप इन सब वैल्यूज को लास्ट टेबल से पुट करेंगे।